हम इस समय रामगढ़ ताल पे हैं और ये नौकायान का क्षेत्र है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का ये पर्यटक स्थल है जहाँ रोजाना 10 से 20 हज़ार लोग पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। और आज हम इसी जगह पे खड़े हैं और यहाँ पे सियासी चर्चाएं क्या हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हो रहा विशेष, कांग्रेस कर रही है विरोध, तो इसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। आइए लोगों के बीच चलते हैं। जिस तरह से सियासी राजनीति गर्म हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है विशेष, कांग्रेस इसके विरोध में है, क्या कहें? देखिए, कांग्रेस के पास इतना सोचने की क्षमता ही नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन से फ़ायदा क्या होगा, जनता के हित में भी होगा और जो भारत की आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होगी। 2 से 3 महीना बीतता है तो कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव, फिर कभी बिहार में 1 साल बाद, कभी 6 महीने बाद कहीं और, फिर यहाँ कोई और चुनाव, तो तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे 2-2, 3-3 महीने 6-6 महीने का गैप करके चुनाव पड़ता रहता है। तो सरकार के लिए जो भी ये निर्णय है वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत सराहनीय सोच है। मुझे लगता है कि जनता के हित में भी है, सरकार के हित में भी है, इसका बहुत जल्दी ही निर्णय आना चाहिए। चलिए, कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। बार बार चुनाव जरूरी, सियासी दलों की क्या है मजबूरी? अब सियासी दलों की जो प्रतिक्रिया रही है उसको देख करके मैं इतना अचंभित हूँ और मुझको शर्म आ रही है सियासी दलों के जो बयान है उस पर क्या कहा जाए, क्योंकि जहाँ देश हित है वहाँ भी राजनीति को घुसाना क्या ज़रूरी है? आज के समय में जो विपक्ष है आखिर वो चाहता क्या है, इस बात को विपक्ष को आकर जनता को समझाना पड़ेगा। एक समय था जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा लेकर के जा रहा था, जो ही भारत सरकार का बलून चला, कांग्रेस सरकार का बलून चला, कांग्रेस का हाथ पर फूल गया कि आखिर उसका जवाब देने जाएगा कौन। तो उस समय भारत के विपक्ष के नेता थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भेजा गया कि ये भारत का पक्ष रखेंगे। 6 लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। एक चुनाव की बात जो हो रही है उसको लेकर अगर कहा जाए तो क्या इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा या जनता को फ़ायदा होगा, विपक्ष का क्या है इरादा? देखिए, विपक्ष के लिए हम सीधे सीधे कह रहे हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष जी विरोध कर रहे हैं वो आलू से सोना बनाने वाले लोग हैं, गप हाँकने वाले, और देश के प्रति जो कुछ अच्छा होता है उनको पसंद नहीं आता है, देश विरोधी कार्य में हमेशा संलिप्त रहते हैं, हमेशा विरोध के। लेकिन जो इलेक्शन हो रहा है, एक देश एक नेशन, देश के लिए बहुत लाभकारी होगा और लोकतंत्र यहाँ का बहुत ही मजबूत हो जाएगा, ये होना अनिवार्य है और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है भारतीय जनता पार्टी को सोच है ये। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, जिसके बाद कांग्रेस की जो धड़कनें हैं वो बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस की धड़कनें इसलिए बढ़ गई हैं कि वो नकारात्मक सोच वाली सरकार हो चुकी है और उसके पास सकारात्मक सोच नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित में बात करती है और देश हित में करती रहेगी। और जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई है, ये बहुत ही आगामी और समझिए कि दूरगामी परिणाम देने वाला ये सोच है और बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया निर्णय देश हित में नहीं हो सकता। और लोग हैं उनके पास भी चलते हैं। जिस तरह से देखा जाए अगर वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने बोल दिया है, तो इससे कांग्रेस की जो धड़कनें हैं वो तेज़ हो गई हैं, क्योंकि गठबंधन में है और ऐसे में कांग्रेस को अब ये रास नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव समर्थन करें, इस चीज़ का क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो भरी हुई है 1947 देखा जाए वो बांटो राज करो की राजनीति करती है, वो डिवाइड एंड रूल पर पॉलिसी पर काम करती है, वो कभी नहीं चाहेगी भारत में स्थिरता बनी रहे, भारत में समृद्ध हो, भारत में आय बढ़े। अयोध्या में दलित महिला के साथ क्या हुआ वहाँ नहीं बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वहाँ उस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। उनको देश को तोड़ना है, हिंदुओं को तोड़ना है, इसे जातिवादी राजनीति करना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे भारत समृद्ध राज हो, इसलिए विरोध करते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो कैबिनेट में तो पास हो गया, तो क्या लगता है कि अब जो है इस पे विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, आम लोगों का तो विश्वास बढ़ेगा, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका काम ही विरोध करना है, वो विरोध के आधार पर ही वो अपना जो है एजेंडा चलाती हैं। और ऐसे में जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, ये देश हित में है और इससे देश की आर्थिक विकास और इसमें देखा जाए तो सामाजिक आर्थिक और हर क्षेत्र में इसको फ़ायदा होने वाला है। ये बहुत कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। अगर देखा जाए तो बार बार चुनाव होना ज़रूरी, सियासी दलों की मजबूरी, क्या कहेंगे?
ये देखिए, सियासी दलों को इसमें अपना राजनीतिक उद्देश्य नज़र आता है, कहीं जात के आधार पर, कहीं क्षेत्रीयवाद के आधार पर वो चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन मोदी जी ने इसको दूर करने के लिए, इससे हमेशा निजात पाने के लिए और भारत सरकार का पैसा बचाने के लिए, ये गरीब आम आदमी का पैसा बचाने के लिए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का जो फंडा अपनाया है और बिल पास किया है, ये बहुत ही दूरगामी सोच और दूरगामी परिणाम देने वाला निर्णय है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो अखिलेश यादव ने तो समर्थन कर जो है कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्या लगता है? नहीं देखिए, ये तो होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो फालतू जो खर्चे होते हैं वो खर्चा बचेगा, और ये तो इसके लिए हम लोग भी समर्थन है कि एक इलेक्शन, एक देश एक इलेक्शन, तो तमाम हर पता चलता है, हर छः महीने बाद कोई इलेक्शन, हर छः महीने बाद कोई इलेक्शन, तो इससे आदमी निजात पाएगा और एक साथ इलेक्शन होने का मैं भी समर्थन करता हूँ। चलिए, कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है विशेष, कांग्रेस कर रही है विरोध, क्या कहेंगे? ये कांग्रेस अपना धर्म निभा रही है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है कुछ न कुछ विरोध प्रदर्शित करना, तभी उनका अस्तित्व रहेगा। लेकिन मैं प्रशासनिक सेवाओं में हूँ और मैंने चुनाव आदि कराया है, लेकिन एक नेशन और एक चुनाव यदि होता है तो भारत सरकार का बहुत बड़ा राजस्व की बचत होगी और एक ही व्यवस्था में सब संपन्न हो जाएंगे। जैसा कि आप देखें, चुनाव आता आज यहाँ है आज वहाँ है, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, और एक बार में सारी व्यवस्थाएं जाए तो हम भरपूर समर्थन करते हैं कि एक राष्ट्र हो, एक चुनाव हो, तो इससे सभी लोग मुखर होकर वोट भी देंगे, राजस्व की भी बचत होगी और प्रचारक को भी सहायता मिलेगी। और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। एक चुनाव और एक इलेक्शन की बात जो हो रही है, तो क्या लगता है इससे देश का फायदा होगा या बीजेपी को फायदा होगा? जो विपक्ष जो है, ये इसका क्या है इरादा? देखिए, देश का तो फायदा है, विपक्ष का नुकसान है। विपक्ष का नुकसान ऐसे है कि जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा तो मुद्दा एक होगा, और इनको चाहिए हर चुनाव में अलग अलग मुद्दा, नया नया नाटक, नया नया खटाखट, वो मिल नहीं पाएगा। जब एक देश में एक चुनाव में जब एक मुद्दा होगा तो इनको चुनाव लड़ने में नानी याद आ जाएगी, इसी से ही लोग भाग रहे हैं। अब क्या लगता है कि इसके प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ेगा या घटेगा? जनता का विश्वास बहुत तेजी से बढ़ेगा। मुंह मांगा मुराद पूरी हो गई, जनता का हेडक दूर हो जाएगा कि 5 साल में चुनाव होगा तो होगा, बीच में अफरा तफरी नहीं रहेगी, बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से चलेगी। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत सही काम होगा। किस तरह से लोगों में क्या चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, लोग क्या सोचते हैं, लोगों की राय क्या है? हमने रामगढ़ ताल पे लोगों से बातचीत की और लोगों से जाना कि आखिर उनकी राय क्या है। जैसे जिस तरह से मोदी कैबिनेट में ये इसे पास कर दिया गया, अब अगर बात की जाए तो इसके प्रति जिस तरह से कांग्रेस विरोध में है, अखिलेश यादव समर्थन में है, तो इसको लेकर जो राजनीतिक पार्टियों में जो खलबली मची है वो उसको लेकर क्या कहें? सबसे हंसी आ रहा है, अखिलेश और राहुल सटे हुए थे, अब उनकी पहली दूरी भी बढ़ेगी, और क्योंकि होना भी ज़रूरी है, ये 37 सीट पा के सपा वाले इतना उछल रहे हैं, कांग्रेस वाले 99 सीट पा के इतना उछल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जीत के भी शांत है और अच्छे मुद्दों पर हमेशा कार्य कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन इज़ द वेरी बेस्ट। कांग्रेस इसको विरोध कर रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इससे इसका जनता के बीच में ये इसका विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। कांग्रेस का तो पुराना मुद्दा है, हर काम में उनका टांग अड़ाना है। ऐसा कोई काम है जिसमें उन्होंने टांग नहीं अड़ाया? अभी जितना भी बात चलता है, अग्निवीर हुआ उस पर उन्होंने टांग अड़ाया, चाहे अभी वन नेशन वन वोट का आ रहा है उसमें भी, चाहे जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है, चाहे सीमा विवाद होता है, उन्होंने आधा दे दिया डोकलाम, आधा वोट दे सियाचिन दे दिया, वो सब कुछ किए लोग, वो इजो के। देखिए किस तरह की सियासी चर्चाएं हो रही हैं, लगातार लोगों के मन में किस तरह के भाव हैं, हमने यहाँ लोगों से बातचीत की और जाना कि आखिर उनके मन में क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये क्या सोचते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और इस बात की अब पूरी संभावना है कि अगले शीतकालीन सत्र में, यानी कि संसद का जब अगला शीतकालीन सत्र होगा, तो सरकार इसे विधेयक के रूप में पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है। हालांकि उससे पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब इस पर सियासत शुरू हो गई है, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, सीधे लोगों के पास चलते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात बहुत पहले से
की जा रही थी। और देखिए, देखा जाए तो ये अभी का पूरा सिस्टम नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद कई बार इसी तर्ज पर चुनाव हो चुका है, लेकिन अब सरकार एक बार फिर से इस सिस्टम को लागू करने की तैयारी में है। लेकिन देखा जाए तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, वो इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जहाँ तक अन्य जो है जो पार्टियों का जो हमको समर्थन नहीं दे रही हैं, उनका मेन चक्कर है कि जाति समीकरण कैसे होगा और पैसे का दुरुपयोग और हर चीज़ उनके उसमें है। इस वजह से वो लोग इसको जो है चाह रहे हैं कि ये मतलब एक साथ ना होने पाए। और हमारे जहाँ तक आप जो है प्रश्न करें अखिलेश जी की तो बात ही छोड़ दीजिए उनकी। अब बाकी जो ये आने वाला विधेयक है ये बहुत ही अच्छा है, इसका हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं। आम जनता हम हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सब लोग पूर्ण समर्थन करते हैं इसका। आपको लगता है कि मतलब कहा जा रहा है कि इससे जो चुनावी खर्चे होंगे वो कम होगा, समय की बचत होगी और एक फेयर इलेक्शन हो सकेगा। हालांकि फेयर इलेक्शन तो चूंकि अभी चुनाव आयोग कराता ही है, लेकिन तमाम दलीलें दी जा रही हैं उसको लेकर एक आम जनता होने के नाते क्या सोचते हैं आप? देखिए, धारा 370 जैसे एक मुद्दा था, उसी तरह ये भी एक हम लोग अपनी हमारी जो जनता है भारत की इसकी अपेक्षा कर रही थी कि ये बहुत जल्दी आए। इससे अरबों खरबों रुपए ही नहीं बचेंगे, एक फेयर इलेक्शन पूरे भारतवर्ष में हो पाएगा और ये भारतवर्ष के प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक लैंडमार्क डिसीजन साबित होगा, जैसे धारा 370 जैसे साबित हुआ, उसी तरह ही एक भारत का, एक प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत के विकास के लिए एक बहुत बढ़िया ये कदम है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट के जरिए तो इसको मंजूरी दिला दी है, लेकिन देखा जाए तो इसको अब पार्लियामेंट के दोनों संसद के दोनों सदनों से भी पास कराना पड़ेगा। आपको लगता है कि सरकार के लिए ये राह इतनी आसान है? देखिए, अच्छे कार्य में विघ्न तो आते ही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा भारत की राजनीतिक पार्टियों से कि भारत के विकास के लिए इस मुद्दे का वो समर्थन करें, इसको अच्छे बहुमतों के साथ पास करें। आपसे मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है और ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी साजिश कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एजेंडा देश की जनता का है, भारतीय जनता का है और हम सभी लोगों का एजेंडा है। हम लोगों की सभी लोगों का इच्छा है कि भाई ये जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है और जो शीतकालीन में विधेयक आएगा एक देश और एक चुनाव का, हम लोग सभी लोग इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर चाय की चुस्की ले रहे थे, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही इसके पक्ष में रहे हैं। अब चूँकि केंद्रीय कैबिनेट ने इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, पार्लियामेंट में लाने की अब कोशिश होगी, इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी का कहना है कि इससे देश का फायदा होगा, अखिलेश यादव और दूसरी पार्टियां बोल रही हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है, इससे देश का नुकसान होगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी का एजेंडा जनहित में और देश हित में है, सही कदम है। अखिलेश यादव या पूरा विपक्ष अभी इसके महत्व को समझ नहीं पाए हैं, हमें लगता है आगे चल करके वो भी समर्थन देंगे और उनके एजेंडे को स्वीकार कर लेंगे। कहा कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, कुछ और भी लोग हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनंत कुमार पांडे है। अनंत जी, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा एक बार फिर से बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है और कल आपने सुना कि केंद्रीय जो कैबिनेट है उसने इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया है। आपको लगता है कि इसे पार्लियामेंट से पास कराना सरकार के लिए आसान होगा? नहीं, पास कराना आसान होगा या नहीं होगा ये तो मतदान के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए इस तरीके का, जो अच्छे कार्य हों उनका विरोध नहीं होना चाहिए और इसको मतलब बैठ करके एक सहमति के आधार के ऊपर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। देश के विकास के ऊपर मतलब क्यों विरोध करना, ये ठीक नहीं होता है। पक्ष और विपक्ष तो होता रहेगा, चलता रहेगा काम, इस तरीके का कोई प्रकरण यहाँ पर नहीं है। आप वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं या विरोध में हैं? वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके पक्ष में है। मोदी जी ने जो लागू किया है, जो कैबिनेट में अभी पास हुआ है और फिर जो है इसके लिए अभी सदन में चलेगा, राज्यसभा जाएगा, पास होगा नहीं पास होगा वो तो अलग का विषय है, लेकिन राष्ट्र हित में है। चुनाव 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 दर चुनाव, अभी जैसे चुनाव लोकसभा हुआ, विधानसभा उपचुनाव शुरू हो गया, फिर विधानसभा आ जाएगा, फिर जो है नगर निगम का चुनाव आ जाएगा, पंचायत चुनाव आ जाएगा, चुनाव में ही अधिसूचना और चुनाव
इसी में पूरा जो है चुनाव से खत्म नहीं होता, एक चुनाव आया दूसरे की तैयारी शुरू हो गई। इन्होंने एक बहुत सही बात कही कि पूरे साल देश की अधिकतर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव ही लड़ती रहती हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, देखा जाए तो ये तो सच है कि लोकसभा का चुनाव खत्म होता है तो विधानसभा का चुनाव शुरू हो जाता है, फिर पंचायत चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, तमाम ऐसे चुनाव होते हैं। आपको लगता है कि जो सरकार का अवधारणा है, हालांकि ये सरकार का अवधारणा कहना इसे सही नहीं होगा क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा जो है वो आज़ादी के बाद रही है, हालांकि उसके बाद किसी कारणवश उसको रोक दिया गया। अब एक बार फिर से इसकी चर्चा शुरू हुई लेकिन इसका विरोध भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? विरोध के बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि ये देशी हित में लिया गया सरकार द्वारा अहम फैसला है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए। ये मतलब देश हित के लिए, आर्थिक स्थिति से और समय के लिए, बचत हर चीज़ के लिए ये बहुत बढ़िया लिया गया फैसला है, इस बिल का हम समर्थन करते हैं। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर जो इस बिल के समर्थन में खड़े हैं, हालांकि कुछ और भी लोग हैं, अपना नाम बता दीजिए। उदय प्रताप सिंह। कहाँ से हैं आप? यूपी गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर के रहने वाले हैं। अभी कल केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है जिस ड्राफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बीजेपी का एक एजेंडा है और बीजेपी की साजिश भी इसे करार दिया जा रहा है। उनका साफ ये कहना है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, क्या सोचते हैं? नहीं सर, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो माननीय मोदी जी ने कहा है यह जनता जनार्दन के हित में है। बार बार चुनाव आते हैं, कभी यूपी का, कभी बिहार का, कभी राजस्थान का, कभी जम्मू कश्मीर का, इससे जनता जनार्दन का नुकसान भी होता है, समय भी नुकसान होता है, और इसमें जो चुनाव में बार बार चुनाव होते हैं, जो पैसे खर्च होते हैं वो जनता जनार्दन के ऊपर ही तो आते हैं। कि जो भी चुनाव होता है उसका जो बोझ होता है, खर्चे का बोझ, वो जनता को उठाना हो, आम जनता को उठाना होता है, तो फिर इस चीज़ को इतनी छोटी सी बात है नेता क्यों नहीं समझते? नेताजी तो भाई नेताजी हैं ही हैं, उनकी बात तो न्यारी है ही है भाई। उनको एक चीज़ नहीं देखनी है ना, उनको पूरा भारत को देखना है, पूरे संविधान को भी देखना है, भारत को भी देखना है। मैं गुरमीत सिंह। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहा कुछ जो एक्सपर्ट हैं या कुछ मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो इससे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, इनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं उनको नुकसान हो सकता है, इस वजह से क्षेत्रीय दल पीछे हट रहे हैं, आपको भी लगता है? नहीं, क्षेत्रीय दल का इसमें क्या नुकसान है भाई? कोई नुकसान नहीं है भाई, चुनाव जब भी होंगे तो हर प्रदेश में होंगे, पूरे देश में होंगे, लोकसभा के साथ विधानसभा होगा, क्षेत्रीय पार्टियां विधानसभाओं पर ज़्यादा जोर देती हैं, तो विधानसभाओं का चुनाव होगा, विधानसभा अपनी जोर आजमाइश करेंगे। तो देखिए आज इसी मुद्दे पर हमने बातचीत की लखनऊ के लोगों से, वन नेशन वन इलेक्शन, दरअसल इसके ड्राफ्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है, हालांकि संसद के दोनों सदनों से पास कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।